क्या बात है यार, क्या बात? आज मेरे को पता चल गया क्या ये आईटी अवार्ड नंबर वन अवार्ड शो क्यों है? क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लेवल का होस्ट ले लिया इन्होंने। थैंक यू नहीं, वो भी खाली है, तू भी खाली है। ये बोल रही थी मैं। खैर आज कितना अच्छा लग रहा है ना मनीष। हाँ, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग बैठे। मैं तो सच्ची बताऊं, क्या मेरा मन कर रहा है कि मेले में मैं खो जाऊं। क्यों खो जाऊं? हाँ, और कोई प्रोड्यूसर ना मेरे को उठा के ले जाए। ये तो आते ही मतलब सपना, मतलब प्रोड्यूसर से डोरी डालना आते ही चालू। अरे डोरी नहीं, मैं तो वरमाला डालना चाहती है रे। मैं चाहती है ना मैं किसी प्रोड्यूसर की सेकंड वाइफ बनूं। सेकंड वाइफ? हाँ, फिर हम लोग मिलके छोटे छोटे डेली शो प्रोड्यूस करें। यार यार मेरे को एक सिर्फ लग रहा है सपना, क्या है ना, थोड़ा ज्यादा फ्रैंक हो रही हो, मत करो ऐसे, मतलब प्लीज ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं। इसको पता है क्यों प्रॉब्लम हो रही है शशि जी? क्यों? क्योंकि इसके साथ मैं फ्रैंक नहीं हो रही है। मेरे साथ? हाँ, मेरे को कहना, मेरे को कौले लौंडे चाहिए। कौले? हाँ, तेरा क्या, अब तू पुराना हो गया है। मैं पुराना हो गया? कितने सालों से होस्टिंग कर रहा है। अच्छा, मैं पुराना? ये होस्टों का एक ही हंगल है। देखो, एक मिनट, सलमान खान सर, रोहित शेट्टी सर, यहाँ तक के खुद बच्चन साहब भी सालों से होस्टिंग कर रहे हैं यार, और मैं भी तो उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहा हूँ, इसलिए डिमांड है सालों से। इसकी यही खासियत है। क्या? ये छोटी सी बात को ना बड़े बड़े लोगों के साथ नाम जोड़ के बड़ा कर देते हैं। इधर पूरी टीवी इंडस्ट्री आई लिए शशि जी बहुत अच्छा करते हैं, आप आईटी करते ना। हाँ। सारा कौला माल एक ही दिन जमा करते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरे वो मेरे को उससे भी मिला ना, वो कौन है, नागिन। अच्छा, सुरभि। अरे यार बहुत हॉट है यार। तेरे को पता है एकता ने मेरे को नागिन का रोल ऑफर किया था। तुम्हें नागिन का रोल? हाँ, मैं मना कर दी। क्यों? वो बोलते हैं हर 6 महीने में तुमको केंचुली निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला मैं ये नहीं करेगी। लेकिन ये सच्ची बात है, नागिन लोग इतनी हॉट है कि जितने मर्द लोग है ना चंदन का लेप लगा के चलते अपने बॉडी पे। हाँ। कि एक ना एक दिन कोई ना कोई नागिन जरूर लिपटेगी। ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया यार सपना? मैं तेरी ट्रिक बता रही है। मेरी क्या ट्रिक है? पता है शशि जी यही कर रहा है। मैंने इसको एक दिन देखा, वो बिल जो रहता है ना उसके बाहर खड़ा होकर से बीन बजा रहा था कि नागिन बाहर आ गया। बे ये नागिन रोग बिल में नहीं रहते। कहाँ रहती हैं फिर? इनका 5-5 BHK का फ्लैट है मलाड में। 5-5 BHK का मलाड में? बड़े बड़े फ्लैट रेंट पे लिए इन्होंने। और ये लोग सुबह उठ के नारियल पानी भी पीते, मलाई वाला। नारियल पानी मलाई वाला? देखा है तूने कभी वो? अरे यार कमाल है, देखा मालूम है ना। देखो पानी वाला 40 का, मलाई वाला 50 का, और अगर मंथली करवा लो तो 1200 का। अरे वाह। हाँ? तेरा शो क्या बंद हुआ, तू नारियल पानी बेचना शुरू किया तूने? लेकिन हम लोग का देखा, अभी हम लोग का भी शो ब्रेक पे गए। हाँ, ब्रेक पे है। लेकिन मेरा क्या है कि हम लोग ये सब काम नहीं करते। हाँ। हम लोग डायरेक्ट भीख मांगते। अरे वो हाँ। धीरज धूपर। हाँ। आप कुंडली भाग्य से हो ना? अब मैं कमलेश भाग्य से हूँ। कमलेश भाग्य? हाँ, मेरे बाप का नाम कमलेश था ना, वो शादी के टाइम पे भाग गया था। तुम्हारी मम्मी से भाग की शादी करी थी? नहीं नहीं, मेरी माँ की शक्ल देख के भागा था वो। फिर क्या, वो मेरी माँ उसके पीछे भागी। हाँ, फिर? फिर मेरी माँ ने उसको पकड़ा। क्या बात कर, फिर? फिर उसने मेरी माँ को पकड़ा। फिर दोनों ने एक दूसरे को जकड़ा। फिर उन्होंने इतने मजे नहीं लिए जितने तू ले रहा है। नहीं करना, मैं आज की लड़की हूँ, समझा? आज की लड़की? यार ये आज की नहीं, 2 घंटे की लड़की है, उसके बाद आराम से चेंज करके गाड़ी में बैठ के जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलो, मुझे आईटी अवार्ड होस्ट करना है। थैंक यू सो मच। और सुनो। हाँ। उधर से जाना, इधर से मत जाना, वहाँ पे बैटमैन बैठे हैं, कुछ भी खींच सकते। मेरा उनका पुराना है। क्या बात? अरे बैटमैन? तो बैटमैन का हमारे जैसे लोग कैसे थी रहते हैं। मैं संभाल लूंगा आईटी अवार्ड, ठीक है? संभालेगा ना? हाँ, मैं संभाल लूंगा। मैं फिर आएगी फिर। हाँ, ध्यान से। मैं आती है, आपको थोड़ी देर में मिलेगी। और बिग एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत कृष्णा।